Kenny Chhabra, and I'm the director of the show web series Lovely Da Dhaba. And sabko mera namaskar, salam, sat sri akal, waheguru ji ka khalsa, waheguru ji ki fateh, and welcome all of you. And first of all, sabse pehle main aksar, in fact, you know, I've started calling Isha. She's my hot star, superstar, rock star. That's how I call her. So I'll introduce Isha. She's playing Lovely Cod Dhillo. And she's playing the lead. जैसे आप देख रहे हैं लवली द ढाबा हमारा जो वेब सीरीज है. सो शी इज प्लेइंग द लीड. एंड अगर मैं स्टार्ट करूं, सो मैं सबसे पहले थैंक्स करूंगा ईशा का, बिकॉज ईशा के बगैर, ईशा के सपोर्ट के बगैर शायद आज मैं यहाँ नहीं होता, बाकी तो सब होते. सो थैंक यू सो मच ईशा फॉर एवरीथिंग एंड फॉर बीइंग माय लवली, फॉर एक्सेप्टिंग द कैरेक्टर लवली, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग. First of all, I want to congratulate the entire team and especially Isha ji. Without her, this web series could not have been completed. She is playing the protagonist in this as Lovely. She is running a dhaba, who is a widow of an army martyr, Captain Rupinder Dhillon. Yeah. तो उन्होंने बहुत बखूबी वेब सीरीज में अपना किरदार निभाया है. और ये जो वेब सीरीज है ये 6 एपिसोड्स में डिवाइडेड है और हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ सोशल मैसेज दिया गया है और वो जो कि बहुत अच्छे ढंग से उभर कर आया है. आई थिंक जब आप लोग इसे देखेंगे, और ये जेम्प्लिक्स का सबसे पहला प्रीमियर शो है जो 30th से चालू हो रहा है, और हम लोग बहुत लकी हैं कि ईशा जी के साथ मिल के ये वेब सीरीज बनाए हैं, और ये बहुत जल्दी आपको 30th को देखने को मिलेगा. आप सभी को धन्यवाद और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. ये किरदार मुझे मेरे डायरेक्टर जो हैं, इन्होंने ही ऑफर्ड मी दिस रोल. मैं केनी को बहुत सालों से जानती हूँ. जब केनी सुभाष जी के साथ थे, सुभाष घई, सुभाष जी के साथ मैंने राइट या रॉन्ग और हेलो डार्लिंग काफ़ी फिल्में की थी, और केनी वाज ऑलवेज देयर, और हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे. प्रोफेशनली हम लोग मिले थे, लेकिन एज अ डायरेक्टर मैंने केनी के साथ काम नहीं किया था. तो काफ़ी सालों बाद जब केनी ऑफर्ड दिस रोल टू मी, मुझे ये रोल बहुत ही अच्छा लगा. ख़ास करके लवली का जो कैरेक्टर है, मुझे बहुत ही लवली लगा. ये ऐसा एक कैरेक्टर है जो फर्स्ट ऑफ ऑल लवली ऐसी इंसान है, सेवा भाव से वो अपना ढाबा चलाती है, पैसे कमाने के लिए नहीं चलाती. और उसकी एक प्रिंसिपल है, उसका एक ये है कि ढाबे में जो भी आए वो भले उसके पास पैसे हो या नहीं हो, खाली पेट नहीं जाए. और आई वुड से शी इज़ लाइक अ फीमेल मुन्ना भाई. जो भी आता है वहाँ पे, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, और बहुत ही बखूबी से, सरल और सिंपल तरीके से लवली उसको उसका एक उपाय ढूंढ लेती है विदाउट हर्टिंग एनीबडी. तो ये जो एक क्वालिटी है मुझे बहुत अच्छी लगी, विच रियली टच्ड माय हार्ट, विच आई फील हम हर एक इंसान में एक लवली होनी चाहिए जो हु इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स. और ये भी एक रीज़न था जो मुझे which kind of attracted me to the script. And of course, ek naya OTT platform, digitalization is the new, it's the new era, everything is getting digitalized. So I said, why not try this? So, sab kuch ek saath aa gaya, aur maine kaha, chalo, let me try this. Actually, that's really nice. Hamare har ek episode jo hai, ye khasiyat hai, khane ke naam se, aur ek khane, बट खाने से जुड़ी हुई, एक तो ढाबे का पूरा सेटअप है, एक हमारा बोल सकते एक हमारा एपिसोड है जिसका नाम है टिफिन, एक हमारा एपिसोड है जिसका नाम है हाफ प्लेट, एक हमारा एपिसोड है जिसका नाम है लस्सी, एक हमारा एपिसोड है जिसका नाम है सिमरन भाग दे खाना नहीं है, वो फर्स्ट है. और एक है हरी चटनी, एक है जिसका नाम है हरी चटनी. सो एवरीथिंग इज मतलब कनेक्टेड टू फूड. और आपको समझ में आ जाएगा जब आप सीरीज देखोगे कि फूड को हम लोगों ने कैसे अमेलगमेट किया है इन स्टोरीज में. एंड ईच स्टोरी इज़ डिफरेंट,
एक कहानी लवर्स की है, एक कहानी बाप बेटों भाइयों के हाँ फादर की है, एक कहानी सुपरस्टिशन पे है। तो हमने मुद्दे भी लिए हैं कि यू नो जो सुपरस्टिशन हो या प्यार हो या पारिवारिक फैमिलीज में झगड़ा तकरार वो जो होता है, सो इट्स रियली इट्स आई थिंक इट्स गैमेट ऑफ इमोशंस, एवरी एपिसोड हैज इट्स ओन सेंस एंड सिग्निफिकेंस। हाँ हर दिन कास्ट अलग थी एपिसोड वाइज, लेकिन बहुत अच्छी वहाँ की उमदा पंजाब के एक्टर्स थे सब, सो हर किसी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत लाइट कॉमेडी जिसको हम लोग लाफ्टर क्राई ड्रामा बोलते हैं LCD वैसे था, तो आई एंजॉयड अ लॉट। और वहाँ के जो मेन कैरेक्टर्स थे वो कौन है, वो नाचते हैं वो सनी गिल्पा जी हैं, एक बनिंदर बनी है, नहीं नहीं वो सीपी सीपी हाँ वो तो मस्त कैरेक्टर है, क्या नाम था so, उसका नाम है मेहताब वर्क, देर इज अ थिएटर एक्टर है, वेरी न्यू एक्टर, वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है बिहारी, उसका नाम है चुटकन प्रसाद मिश्रा, तो उसको सीपी बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। और उसका जो कलीग है जो वहाँ पे एक्टर है बनिंदर बनी, हाँ वो क्या प प प पे उसकी सुई अटकती है, अटकन है उसकी, तो इन दोनों की नोकझोंक चलती रहती है जो आपको वो भी देखने को मिलेगी। और वो उसको बोलता है सीपी मतलब कंप्लीट प्रॉब्लम, तो नाम उसका चुटकन प्रसाद है बट बोलता है पाजी ये ना कंप्लीट प्रॉब्लम है, सीपी है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, प्रॉब्लम को भी नहीं बोल सकता कंप्लीट प प प। ओह वो तीन जो और एक पापा जी हैं सनी गिल, सनी गिल इज आल्सो अ वेरी फेमस एक्टर, तो मुझे बहुत मजा आया, मतलब कॉमेडी लाइट ड्रामा ये सब करने के टाइम ना, एंड स्पेशली व्हेन यू वर्क विद गुड एक्टर्स दे गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू। सबसे पहले मैं मेरे ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी थैंक यू सो 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 मच फॉर द लव, आप लोग हमेशा मुझसे आए हैं कि हम आपको देखना चाहते हैं फाइनली ईयर यू नो एक साथ मेरे दो सीरीज आ रहे हैं, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर लव एंड योर ब्लेसिंग्स दैट दिस इज हैपनिंग वंस अगेन। एंड आप प्लीज़ जेम्प्लेक्स पे लवली दाधाबा और ओल्ड बालाजी एंड Z5 पे फिक्सर, मुझे गारंटी आप बहुत एंजॉय करोगे, दोनों बहुत ही अलग किस्म के एंटरटेनर्स हैं, एंड आई एम श्योर यू गोना लव बोथ द सीरीज। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी एंजॉय एंड थैंक यू and I would also like to thank the great Indian dhaba. Yeah, and I would also like to thank the great and lovely that dhaba would like to thank the great. तो ये बहुत अच्छा coincidence हो गया कि हमको हमारे इस press meet के लिए ढाबा ही मिल गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ मैंने रिलेट कर लिया ढाबे से ढाबा और ट्रैक्टर रह गया कोई बात नहीं, आप विजुलाइज कर लेना ट्रैक्टर भी यू नो हम मैं तो विजुलाइज कर रहा हूँ कि ईशा की एंट्री ट्रैक्टर में हुई है, पोस्ट में डाल दो सो यस